दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज हम लोबिया की सब्जी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, तो चलिए हम सामग्री देख लेते हैं। ये लोबिया, जिसको सोयाबीन भी बोला जाता है, हमारे घर इसको सोयाबीन ही बोलते हैं, तो हमने इसको रात में फुला दिया था और इसको दो तीन पानी से धो करके अच्छे से एक कटोरी में रख लिया है। हरी मिर्ची, लहसुन और एक प्याज, तीन टमाटर और ये धनिया का पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी, मिर्ची, जीरा पाउडर और ये गरम मसाला। चलिए हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में। ये हम पहले इसको लोबिया को उबाल लेंगे, तो इसको हम डाल देंगे इसमें कुकर में और डाल देंगे पानी और थोड़ा सा डाल देंगे नमक। इसको इस तरीके से चला देंगे कुकर का ढक्कन लगा करके और तेज फ्लेम में चालू कर देंगे गैस को और इसको पकने देंगे। ये लोबिया हमारे अच्छे से पक गई थी, तो हमने इसे एक प्लेट पर निकाल लिया है। कुकर में तीन सीटी दिलाई थी। ये देखिए, जब हाथ से इस तरह से मसलने लगे तब इसे निकाल लेना है। ये देखिए कितनी आसानी से मसली जा रही है, इसका मतलब ये अच्छे से पक चुकी है। गैस पे पैन चला दिया है और तेल डाल दिया है। तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। ये देखिए ऐसे चेक करेंगे, हीट आने लगी है, इसका मतलब तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो हम पहले डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और इन सबको डला लेंगे और गैस को मध्यम कर देंगे। धनिया पाउडर डालेंगे इसी में और अच्छे से चला देंगे। अब डालेंगे ये प्याज और हरी मिर्ची और लहसुन, इसका पेस्ट बना लिया था ये डालेंगे। अभी भी गैस मध्यम ही है और इसको अच्छे से चलाएंगे, थोड़ी देर इसको पकने देंगे। मसाला अच्छे से पक चुका है, ये चारों तरफ से तेल छोड़ने लगा है। मसाला पकाने की यही पहचान है कि जब तेल छोड़ने लगे, इसका मतलब ये हमारा मसाला पूरा अच्छे से पक चुका है। अब यहीं पे डाल देंगे हम गरम मसाला। जब मसाला ये सारे पक जाए तब डालना है गरम मसाला और ये टमाटर। टमाटर का हमने प्यूरी बना लिया था, इसको डाल देंगे इसी में और यहीं पे डालेंगे नमक, नमक स्वाद के अनुसार। ऐसे भी अच्छे से मिला लेंगे और गैस को तेज कर देंगे। इसे अच्छे से चला चला के इसको अच्छे से पकाना है, छोड़ना नहीं है, चलाते रहना है। मसाला अच्छे से पक चुका है। जब मसाला अच्छे से पक जाए तब इसमें डाल देना है लोबिया, अच्छे से डाल देंगे और गैस को धीरे कर दिए हैं। इसको इस तरीके से चला देंगे थोड़ी देर। ये लोबिया अच्छे से इसमें भून चुकी है, मसाले में पूरा कोट हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसको आप रोटी, चावल या किसी के साथ भी खा सकते हैं। हम ग्रेवी वाली बना रहे हैं। हमने एक लोटा पानी डाल दिया है और गैस को तेज कर देंगे और इसको ढक करके रख देंगे थोड़ी देर तक। खोल करके चेक करेंगे, इसके पहले हम दो तीन बार चेक कर चुके हैं। ये देखिए पक करके तैयार हो गई है। अब गैस को बंद कर देंगे और धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे थोड़ी सी।